आगरा फोर्ट स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के सिपाही में कोरोना की पुष्टि हुई है। वह आगरा फोर्ट स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। यहां ट्रेन में यात्री आ रहे हैं। आरपीएफ कर्मियों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आगरा में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर 823 हो गए हैं। मंगलवार को 7 नए केस आए थे। इसमें से 52 साल के आरपीएफ कर्मी की आगरा फोर्ट स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने शनिवार को बुखार आया, इसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को दिखाया। वहां उनकी कोरोना की जांच की गई। इसमें कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सहागन क्षेत्र के 72 साल के मरीज को कई दिनों से बुखार आने पर रविवार को एनएस में भर्ती कराया गया है। इसकी तबीयत गंभीर होने पर सैंपल लिए गए, कोरोना पॉजिटिव आया। सहागन क्षेत्र की महिला और उनकी बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस तरह कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 823 हो चुकी है। सर, आज आरपीएफ का एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकला है, क्या मामला है पूरा? ये आगरा फोर्ट का कांस्टेबल है, राजेंद्र सिंह इनका नाम है, हेड कांस्टेबल है हमारे। 51 साल इनकी उम्र है और दो दिन पहले इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, फीवर के कुछ सिम्टम्स आए हुए हैं। इमीडिएटली हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनका कोरोना का टेस्ट लिया गया। कोरोना के टेस्ट में कल इनका रिजल्ट आया जिसपे इनका कोरोना पॉजिटिव आया है। हमने उसके बाद फिर इनकी जो कॉन्टेक्ट ट्रेस करने की कोशिश की और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि किस तरह से ये हुआ है। बट यही है कि ये ना तो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि ये स्टेशन की ड्यूटी हमारी अभी जो ड्यूटी लग रही है आरपीएफ की लगातार ड्यूटी लग रही है, तो पिछले 2 महीने से ये आगरा फोर्ट स्टेशन में ही बंदोबस्त ड्यूटी में डिप्लॉयड थे। और जो श्रमिक स्पेशल लगातार गुजर रहे हैं तो उन श्रमिक स्पेशल्स की ड्यूटी में ही ये लगे हुए थे। तो कल इनका अब आया, इसके बाद एहतियातन हमने अपने इनके साथ, चूंकि ये बैरक में रहते थे, घर ये अपने घर नहीं जाते थे, इनका घर कानपुर इटावा के बीच में है, तो एहतियातन हमने जितने भी लोग इनके साथ रहते थे बैरक में, इनके कमरे में इनके साथ जिनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट में जो लोग थे, उन सभी को हमने अभी क्वारंटीन कर दिया है। मेडिकल टीम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है वो उनके द्वारा अभी बाकी जो क्वारंटीन किए गए लोगों का भी टेस्ट लिया जाना है और जैसा भी रिजल्ट रहेगा उसके बाद आगे कार्रवाई। आरपीएफ लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनमें काम भी कर रही है उनके साथ, तो क्या स्पेक्ट्रम की आरपीएफ सफाई भी सुरक्षा से रिलेटेड कुछ किए? हमने इनके लिए तमाम व्यवस्थाएँ कर रखी हैं, जैसे कि हर कॉन्स्टेबल को मास्क दिया गया है और हर कांस्टेबल को ग्लव्स दिए गए हैं, सैनिटाइजर्स दिए गए हैं उनको पर्याप्त संख्या में, और वो इन चीज़ों का यूज़ भी कर रहे हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद भी मतलब इस तरह के ये कोरोना संक्रमण उनको हो चुका है। तो बट मेरी यही कोशिश है कि अब हमारे एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन आगे कोशिश रहेगी कि इस तरह से किसी भी दूसरे कांस्टेबल तक ये संक्रमण ना फैल सके, इसीलिए बाकी लोगों को हमने क्वारंटीन कर दिया है और जो बैरक्स हैं, थाना है, उन सभी को सैनिटाइज करवाया जा रहा है लगातार। जो हमारे कांस्टेबल्स हैं उन सभी को हमने उनके इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उनको जो आर्सेनिक एल्बम 30 है, इसके अलावा जो लेमन जूस होता है या फिर जो बाकी इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों का सेवन करने के लिए लगातार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको।